Good morning students, this video is for grade 2 and today we are going to read chapter number 6. This is the part 2 of this lesson explanation and we are going to continue from our textbook page number 32. Okay, everyone open your textbook and you are going to read along with me. Aap mere saath read karne wale ho. Yahan pe heading is for dragging. Jo last video mein हमने फंक्शन सीखे थे माउस के, उसका लास्ट फंक्शन था ड्रैगिंग, तो वो कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया था, उसे ही हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं. सो स्टार्ट रीडिंग. ब्रिंग द पॉइंटर ऑन एनी आइकन, जेंटली प्रेस द लेफ्ट माउस बटन वंस एंड होल्ड इट. ये जो यहाँ पे हमें मॉनिटर का जो ये डेस्कटॉप दिख रहा है, इसमें बहुत सारे ये है, इन्हें कहा जाता है आइकन्स, ये छोटे छोटे बहुत सारे आइकन्स है. तो हम माउस की हेल्प से माउस पॉइंटर जहाँ पे लेके जाएंगे और उसे लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक करके उसे होल्ड करेंगे, मतलब माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे छोड़ेंगे नहीं. एंड देन नाउ मूव द पॉइंटर एट द न्यू पोजिशन एंड रिलीज द माउस बटन. समझो कि हाँ, यहाँ से एक आइकन उठा के हमें उसे यहाँ पे लेके आना है, तो हम उस आइकन को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके होल्ड करेंगे और माउस को मूव करके यहाँ तक लेकर आएंगे और वो यहाँ पे आइकन आ जाएगा तो माउस का लेफ्ट बटन हम छोड़ देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो जो आइकन था वो यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा, तो उसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप. ओके, द आइकन विल बी प्लेस्ड एट द न्यू पोजिशन. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ माउस. सी, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ माउस. दीज आर वायर्ड माउस and wireless mouse. Repeat everyone, wired mouse and wireless mouse. Mouse के दो types होते हैं, wired mouse and wireless. यहाँ पर हमें दिख रहा है ये wire है जो आगे जाके CPU को connect होगी, ये wired mouse है और ये है, इसमें कोई भी wire नहीं है, ये है wireless mouse. Okay, wired mouse, wireless mouse. Okay, तो अब इनके बारे में कुछ read करेंगे हम. See, a wired mouse has a long wire. Wired mouse को लंबी सी wire होती है which is attached to the system unit. System unit मतलब CPU. जो लंबी सी wire होती है वो CPU को connect होती है, वो attach होती है, उससे जुड़ी हुई होती है. A wireless mouse does not have a wire. So it is not attached to the system unit. Wireless mouse को वायर ही नहीं होती है, इसलिए वो सिस्टम यूनिट से अटैच नहीं होती है. ओके, पेज नंबर 33. होल्डिंग अ माउस. माउस जो है उसे होल्ड कैसे किया जाए, उसे पकड़ा कैसे जाए, बिकॉज अगर हम अच्छे से माउस को होल्ड नहीं कर पाएंगे तो हम माउस को अच्छे से ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे और हमारा काम भी स्मूथली नहीं हो पाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. अ माउस हैज़ टू बटन्स कॉल्ड लेफ्ट बटन एंड राइट बटन. इट ऑल्सो हैज़ अ स्क्रोल व्हील. माउस जो है, इस माउस के थ्री पार्ट्स है, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और ये बीच में है, ये है स्क्रोल व्हील. लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड अ स्क्रोल व्हील. तो टू होल्ड अ माउस, नाउ हाउ वी शुड होल्ड अ माउस. इस पिक्चर में हम देखेंगे तो हमें आइडिया आ रही है कि हमें माउस को कैसे होल्ड करना है. पुट योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन. ये जो इंडेक्स फिंगर है उसे हमें लेफ्ट बटन पे रखना है. पुट योर मिडल फिंगर ऑन द राइट बटन. ये जो मिडल फिंगर है वो राइट बटन पे रखना है. होल्ड द माउस विद द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स. यहाँ जो दो फिंगर्स है, ये थंब है, ये इनसे हमें माउस के साइड्स को होल्ड करना है. रेस्ट योर पाम ऑन द माउस. पाम को हमें माउस पे होल्ड करना है. ये इंडेक्स फिंगर है, इससे लेफ्ट बटन,
ये मिडल फिंगर है, इससे राइट बटन, और ये जो थ्री फिंगर्स है इसे माउस को होल्ड करना है, और ये जो हमारा पाम है उसको माउस की बैक पे रखना है। तो हमारे माउस को होल्ड करने की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी। ओके, नाउ स्क्रोलिंग द माउस। स्क्रोलिंग द माउस मतलब क्या? मतलब हम यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया है, ये है स्क्रोल बार। व्हाट इज इट नोन एज? स्क्रोल बार। तो हम ये स्क्रोल बार मतलब पेज को ऊपर नीचे करना, पेज को ऊपर नीचे करना है। मतलब पेज अगर पूरा कंप्यूटर पे जो हम पेज टाइप करते हैं वो पूरा लिखा हुआ है और हमें उसे ऊपर करना है, पेज बड़ा है तो उसे ऊपर रीडिंग के लिए ऊपर करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये स्क्रोल बार यूज़ होता है। और ये जो स्क्रोलिंग होती है, स्क्रोलिंग मतलब आगे पीछे पेज को घुमाना, तो उसके लिए ये स्क्रोल व्हील होता है, उसके लिए ये स्क्रोल व्हील होता है। सो लेट्स रीड। द स्क्रोल व्हील ऑफ द माउस इज यूज टू व्यू द हिडन एरिया ऑफ प्रोग्राम। पुट योर इंडेक्स फिंगर ऑन द स्क्रोल व्हील, स्क्रोल द पेज अप एंड डाउन। हमें ये जो स्क्रोलिंग करना हो तो हमारी इस इंडेक्स फिंगर को इस स्क्रोल व्हील पर रखकर हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो पेज या डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम जो भी है वो हम ऊपर नीचे करके उसके नीचे का पार्ट जो ना दिख रहा हो इसे देख सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ नोन एज स्क्रोलिंग। सी, यहाँ पे दो पिक्चर्स है, ये ऊपर था, फिर इसको स्क्रोल किया, फिर स्क्रोल करके ऊपर जाके ये नीचे आ गया। वैसे हम पेज को ऊपर नीचे स्क्रोल कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सी, ये है स्क्रोल अप, ये है स्क्रोल डाउन। स्क्रोल अप, स्क्रोल डाउन, ये हम स्क्रोल व्हील की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर रीडिंग। यू ऑल आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज विच आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द PDF फाइल। आपको ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में करनी है, प्लस आपको ये एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है। ओके, एंड एज सून एज यू कंप्लीट यू कैन सेंड मी द पिक्चर्स। बाय एवरीवन।